देवथर विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रशांत पाठक द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने हेतु मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश सीमा के अन्य राज्यों में 7 से 10 रुपए लीटर का बताया अंतर। देवथर विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रशांत पाठक द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को पत्र लिखा है। वहीं पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों के रेटों की तुलना कर वैट सहित अन्य करों को घटाकर रेट कम करने का आग्रह किया है। वहीं पत्र को लेकर क्या कहते हैं भाजपा नेता प्रशांत पाठक, देखिए हमारे साथ। जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जी को पत्र लिखकर डीजल पेट्रोल के दामों में कम करने का जो आग्रह किया है, ये क्या है और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, मैं विगत कई दिनों से देख रहा था, इस पर बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मध्य प्रदेश की सीमा अन्य प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों से जहाँ जहाँ जुड़ती है, वहाँ 100 किलोमीटर की परिधि के जो पेट्रोल पंप है वहाँ के डीजल पेट्रोल की बिक्री बहुत कम है। उसका कारण क्या है कि अन्य प्रदेशों से हमारे यहाँ 5 से 7 रुपये प्रति लीटर का अंतर आ रहा है। तो 200 किलोमीटर की परिधि के जो व्यावसायिक वाहन है, निजी वाहन है, वो अन्य प्रदेशों से पेट्रोल डीजल क्रय करते हैं और हमारी सड़कों से वो अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश को राजस्व के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि अन्य प्रदेशों से जुड़ने वाली जो सीमावर्ती तहसीलें हैं उसमें स्थापित पेट्रोल पंपों के दाम वैट व अन्य चीज़ों को कम करके अन्य प्रदेशों के बराबर कर दे, जिससे मेरा व्यक्तिगत मानना, जो मेरा आंकड़ा है कि 100 करोड़ रुपये प्रतिदिन का राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त होने लगेगा। ये 100 करोड़ का राजस्व मध्य प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि यदि संभव हो तो सीमावर्ती तहसीलों में डीजल पेट्रोल के दाम अन्य प्रदेशों के बराबर कर दें, ताकि जो राजस्व अन्य प्रदेश प्राप्त कर रहे हैं वो राजस्व हमारे प्रदेश को मिलने लगे और हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति और हमारे प्रदेश का आर्थिक स्थिति दोनों सुदृढ़ हो। जैसा कि आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, डीजल पेट्रोल के दामों में अगर कम होता है तो इसको खेती किसानी से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है? मैं यही बात तो आपसे कह रहा था कि अगर हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारा किसान है उसको डीजल पेट्रोल हमारे अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे प्रदेश में मिलने लगेगा, तो जो दूर से डीजल पेट्रोल ले आता है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलता है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी और डीजल पेट्रोल के दाम घटेंगे तो हमारी खेती की लागत के दाम घटेंगे और जब लागत के दाम घटेंगे तो हमारी खेती के से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि हो जाएगी, तो हमारी लागत कम और आय ज़्यादा होगी, तो हमारा किसान इससे बहुत मजबूत महसूस होगा, बहुत सुदृढ़ होगा और आर्थिक रूप से उन्नत की ओर चलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज, जनजन की आवाज़।